हेलो फ्रेंड, क्या आपको भी कंगन पहनना पसंद है, वो भी अलग अलग तरीके के। तो ये कंगन मैंने कैसे बनाए हैं घर पर, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी सी वीडियो होने वाली है, फ्री कॉस्ट है, इसमें 1 रुपया आपका खर्च होने वाला नहीं है और आप अलग अलग तरीके से कंगन बनाकर पहन सकती हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आने वाला है आपका। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो पुरानी साड़ी हो जाती है, जिसे हम पहनना छोड़ देते हैं, तो उस पर ना इस तरीके की लैस लगी हुई होती हैं, और ये लैस हम उतार के भी नहीं रखते हैं, लेकिन मैं उतार के रख लेती हूँ और मेरे पास ये लैस अभी है। और हमारे जो चूड़ी होती हैं, कंगन होते हैं, उनके स्टोन निकल जाते हैं, वो मतलब पुरानी हो जाती है, पहनने लायक नहीं रहती, तो इन्हें भी हम पहनना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये चूड़ी भी बेकार थी, मतलब कंगन भी बेकार थे ये, और साड़ी की लैस भी पुरानी ही थी। तो इन्हीं से आज मैं इन्हें डेकोरेट करूँगी और इनका लुक चेंज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये साड़ी की लैस रखी हुई थी, इसी से मैं इसे डेकोरेट करने वाली हूँ। बहुत अच्छा सा आइडिया है फ्रेंड। और इस तरीके से ना आप अपनी पुरानी चूड़ी कंगनों को रीयूज कर पाएंगी, जो साड़ी की लैस होती है पुरानी, उसको दोबारा से यूज में ले पाएंगे, यानी कि रीयूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसे लपेटते जाना है, पूरी लैस को हमें कंगन के ऊपर से लपेट देना है। और आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती हैं, इससे एक फ़ायदा होने वाला, अगर आपके पास साड़ी की लैस भी नहीं है ना, तो जिस साड़ी पर आप इसे पहनना चाहती हैं ना, तो उसी के ब्लाउज का आप थोड़ा सा कपड़ा हो आपके पास बचा हुआ, या फिर साड़ी हो थोड़ी सी, तो उसे भी आप ले सकती हैं। जैसे साड़ी की कन्नी होती है थोड़ी सी, 2 इंच की पट्टी भी आप काट सकती हैं उसमें से, तो साड़ी छोटी भी नहीं होगी। फिर आप इस तरीके से इसे डेकोरेट कर लीजिए, तो आपकी साड़ी से मिलती जुलती आपको बैंगल मिल जाएंगी, यानी कंगन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर भी मैं दूसरी वाली जो लैस है इसको भी लगा लूँगी इस पर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं 2 कलर के यहाँ पर कंगन बना लेती हूँ और मुझे अच्छा लगेगा। मतलब ये तो थोड़ा सा, इसमें 2-3 कलर हैं, तो ये 2-3 सूट पे आराम से हम पहन पाएंगे। और हाँ, आपको अगर ये प्लेन पहनना पसंद नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आपके पास जैसे पुराने मंगलसूत्र होते हैं, गले के नेकलेस होते हैं, तो उसमें स्टोन और मोती तो होते ही हैं, तो आप वो ले लीजिएगा। सबसे बढ़िया जुगाड़ है, उसके स्टोन और मोती आप इस पे ना थोड़े से गोंद से ऊपर ऊपर चिपका दीजिएगा, तो इतना खूबसूरत आपका कंगन बन जाएगा कि सब देखते ही बोलेंगे कि कैसे बनाया आपने। ये एक हुनर होता है, कला होती है, जो हमारे सबके अंदर छिपी होती है, बस हम इसे करना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये वाले कंगन भी तैयार कर लिए हैं। और अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये कंगन बनने के बाद कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब है ना, आप इसे अपनी ड्रेस से मैच करके पहन सकती हैं। आशा करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, घर में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारी बहनों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। बहुत अच्छा सा आइडिया है, नई नई चीज़ों को हमें ट्राई करता रहना चाहिए, ताकि मतलब कि हर चीज़ें ट्रेंड में रहती हैं, और अपने घर में अगर हम उसे बना लें फ्री कॉस्ट में, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। हमारे पैसे बच जाते हैं, प्लस हमारा जो टाइम होता है ना, वो भी अच्छे से हम इस्तेमाल कर पाते हैं, हम यानी कि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है इधर उधर बैठे या इधर उधर टाइम पास करने में, हम कुछ अपने लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रहे थे, आपको भी लग रहे होंगे, आप भी इसे आराम से घर पे बातों ही बातों में बैठे बैठे बना सकती हैं। और सबसे मेन बात ये थी कि इसमें 1 रुपया भी मैंने खर्च नहीं किया है, बाहर से मैंने इसमें कुछ भी लाके नहीं लगाया है। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।